हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रीट ऑफ स्वीट क्रिएशन। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ऑरेंज संतरा की बर्फी। यह हल्दीराम की नागपुर में बहुत ही प्रसिद्ध बर्फी है। तो एक बार बिल्कुल अलग तरीके की यह ऑरेंज की बर्फी भी बना करके ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है तो बर्फी एकदम परफेक्ट बनेगी। अभी नवरात्रे आने वाले हैं तो नवरात्रों के लिए एकदम संतरे की बर्फी परफेक्ट रेसिपी है। ये देखिए कितनी परफेक्ट बर्फी है ना, जितनी देखने में अच्छी उतनी खाने में भी स्वादिष्ट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 संतरे लिए हैं, उनके छिलकों को किसी भी पीलर की सहायता से छील लेंगे। जो संतरों के छिलके होते हैं ना, उनमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। संतरों के छिलके को निकाल लेंगे। ऑरेंज की स्किन पील करके हो गई है और आप चाहे तो यहाँ पर संतरे की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। संतरे अगर ज्यादा होंगे तो एसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी और यही एक अच्छा सा फ्लेवर देंगे। अभी सभी संतरों को काट करके उसमें से उसका पल्प निकाल लेंगे और साथ ही सारे बीज को अलग कर देंगे। ध्यान रखें, इसमें एक भी सीड नहीं जाना चाहिए रेसिपी में। पल्प थोड़ा कमी रह जाता है, मेरे पास 3 ही संतरे थे, आपके पास 4 या 5 होंगे तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब ये पील करके हो गया है, सारे छिलके निकाल लिए हैं। अब कढ़ाई एक गर्म करनी है, उसमें यहाँ पर मैंने 200 ग्राम खोआ लिया है। खोए की जगह आप दूध भी ले सकते हैं और उसका खोया बना सकते हैं, लेकिन यह प्रोसीजर जल्दी से हो जाएगा इसीलिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम खोआ लिया है। अब खोए को अच्छे से टुकड़ा करके हमको मेल्ट कर देना है। मावा कच्चा है तो कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पर इसको थोड़ी देर तक चलाते रहना है और आप देख सकते हैं कि ये मावा मेल्ट हो गया अच्छे से। अब जो हमने ऑरेंज का पल्प बनाया था इसमें हमको जूस थोड़ा बहुत निकलेगा, पर जूसी नहीं करना क्योंकि खाते वक्त तो उसमें टेक्सचर आएगा बर्फी में, इसीलिए केवल इसको रफली पल्प निकाला है और कढ़ाई में खोए के साथ डाल देंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। मावा जैसे जैसे गर्म होता जाएगा ये मेल्ट होता जाएगा और पतला सा टेक्सचर हो जाएगा इसका। मावा को लगातार चलाते रहना है क्योंकि नहीं तो ये तली में बैठ जाएगा और जल जाएगा, और साथ ही लो और मीडियम फ्लेम करते रहना है बीच बीच में। देखने में थोड़ा ऑरेंज जैसा लगे इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया है, जो कि 2 से 3 ड्रॉप डाली हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जेल कलर, लिक्विड कलर या पाउडर कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब संतरा और खोआ थोड़ा सा पक जाए, इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा बबल आए हैं, फिर मैंने इसमें चीनी डाली है। तो मावे में चीनी कितनी डाली है, मैंने यहाँ पर 1/3 कप चीनी डाली है। आप अपने स्वाद के अनुसार 1/2 कप भी डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा मत करिएगा। अब खोए को लगातार चलाते रहना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा हाई फ्लेम भी किया है और थोड़ा मीडियम फ्लेम भी रखा है क्योंकि अब खोए को गाढ़ा करना है जिससे कि बर्फी का टेक्स्चर आ जाए। इसी समय यहाँ पर 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे और साथ ही जब किनारी से खोआ पूरा छोड़ने लग जाएगा कढ़ाई में, आप देख सकते हैं, तब मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी डाला है। ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो आप डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप और लगातार चलाते ज़रूर रहें। अब जो ऑरेंज पील किए हुए रखे थे ना, उनके छिलके, वो भी कढ़ाई में डाल देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मावा ने कढ़ाई की किनारियों को छोड़ना शुरू कर दिया और थिक हो गया है। अब यहाँ पर एक प्लेट में घी लगा लेंगे और इस प्लेट में संतरे की बर्फी को सेट होने के लिए रख देंगे। जब ये सेट हो जाए तो इसको मनचाहे पीसेस में कट कर लीजिए। आप चाहें तो सिल्वर का वर्क भी लगा सकते, मैंने नहीं लगाया है। और साथ ही बर्फी सेट हुई है यानी या परफेक्ट बनी है, इसके लिए जब बर्फी का मिक्सर थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब उसको एक हाथ में लेकर के थोड़ा सा रोल करके देखें। जब वह
थिक हो और बर्फी जैसा टेक्सचर हो जाए तो समझिए बर्फी परफेक्ट बनी है, और इंजॉय कीजिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।